ये सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट। व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट में, हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित वस्तु है, वो सारे जीने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, या उनको हम लोग जीवित कहें लाइव कहें, उसके लिए उस उनमें एक खास तरह का, जिंदा रहने के लिए एक खास तरह का प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। जिसमें आपका रिस्पायरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं, ग्रोथ, छोटे से बड़ा होना, एक्सक्रीशन, कोई भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकलना, रिप्रोडक्शन, हमारे जैसे यंग वंस का जन्म होना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब किसी हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का जो रिस्पॉन्स होता है, कुछ भी अगर कुछ टच करता है तो हमको पता चलता है, इस बात का भी होना ये, और लास्ट हमारा न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब जैसे रिस्पायरेशन, हम लोग जानते हैं कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। यह सांस लेने का जो प्रोसेस है वह सारे जीव करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग नहीं करेंगे, जैसे मोटरसाइकिल, बेंच, कुर्सी, किताब, ये सारे जो है नॉन लिविंग है और इनको रिस्पायरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब है ग्रोथ। ग्रोथ आप जानते हैं, ग्रोथ में जैसे हम पहले छोटे थे, अब बड़े हो जाते हैं, या आप अपने घर के आसपास में कोई छोटा सा प्लांट लगाए होंगे वो भी बड़ा हो जाता है, तो यह भी आपका लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। एक्सक्रीशन, जैसे हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है, तो पसीना क्या हो गया, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में पसीना निकले, सॉरी कुछ मटेरियल जो हैं वो निकलते हैं, वो सारे क्या होंगे, एक्सक्रीशन में आएंगे। रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने ही जैसा न्यू यंग वन को जन्म देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, जैसे आप एक प्लांट का नाम सुने होंगे, छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, यह भी रिस्पॉन्स करता है। आप इसको छुएंगे तो इसके पत्ती जो है वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाते हैं, तो यह भी। या फिर एक और प्लांट है सूर्यमुखी, सनफ्लावर, सूरज के साइड में ही वो क्या करता है, उसका फेस होता है, तो यह भी आपका क्या हो गया, तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली हो गया। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, तो टेकिंग फूड और फूड का यूटिलाइजेशन, फूड का लेना और उसका उपयोग करना, हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। हम लोग न्यूट्रिशन प्लांट में भी पढ़ेंगे, एनिमल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारा जो चैप्टर है वह प्लांट के लिए हमको पढ़ना है, तो प्लांट का न्यूट्रिशन हम केवल यहाँ पे पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, वो चाहे प्लांट का हो, वैसे एनिमल में एक ही टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, लेकिन टोटल न्यूट्रिशन, ओवरऑल न्यूट्रिशन हमारा क्या हो गया, दो तरह का होगा। कौन कौन सा, तो ऑटोट्रॉप होगा और हेटरोट्रॉप होगा। ऑटो दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक ऑटो, दूसरा ट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब मीन्स ऑफ फूड, मीन्स का मतलब साधन, फूड का साधन, मतलब खुद से फूड का व्यवस्था किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अब सोचने की बात है कि खुद से फूड का व्यवस्था किया जाए, इसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे कैसे, तो हमारे यहाँ तो मम्मी हमारे लिए फूड की व्यवस्था करते हैं, मम्मी फूड का व्यवस्था नहीं करती, मम्मी फूड को पका। यह एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल गलत होगा कि फूड का व्यवस्था हमारी मम्मी करती हैं, इसीलिए मेरी मम्मी जो हो गई वो क्या हो गई, ऑटोट्रॉप्स हो गई, नहीं बिल्कुल नहीं। वह भोजन, फूड हम लोग को मिलता है कहाँ से, खेतों से, खेत से मिलने वाले फूड को वो केवल क्या करती हैं, कुक करती हैं, कुकिंग कहते हैं उसको, उसको पकाना कहते हैं, न कि बनाना कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स केवल एक ही ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और अब आते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और मीन्स ऑफ फूड यानी दूसरे दूसरे जगहों से फूड हम प्राप्त करें। जैसे आप जानते होंगे कि कभी आपको
दाल अच्छा लगता है, कभी चावल अच्छा लगता है, कभी मुर्गा भी खाते हैं, कभी अंडा भी खाते हैं, कभी दूध भी खाते हैं। अब एक चीज बताएंगे कि क्या अंडा पेड़ में उगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अंडा पेड़ में नहीं उगता है। दूध पेड़ में उगता है? नहीं। चावल पेड़ में उगता है? बिल्कुल। तो अब देखिए, कभी हम प्लांट से कुछ फूड ले रहे हैं, कभी हम एनिमल से फूड ले रहे हैं, तो हमारा जो है फूड का सोर्स एक नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। डिफरेंट वे में हम लोग फूड को प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स में क्या होते हैं, खुद से भोजन बनाया जाएगा। खुद से भोजन कौन बनाएगा? तो प्लांट, ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? तो ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। और इस फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, मिनरल्स वाटर को रूट के मदद से मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं। एनर्जी, हम लोग के यहाँ तो एनर्जी के लिए चूल्हा है, हीट के लिए चूल्हा है, लेकिन एनर्जी के लिए यहाँ पे चूल्हे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सनलाइट से एनर्जी ले लिया जाता है, और लेकर के क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर यह प्रोसेस होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, फूड को अपने, वो किचन ऑफ द प्लांट है, उसके अंदर फूड क्या होता है, प्रिपेयर होता है। कैसे, क्या क्या प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, एयर से लिया गया, वाटर रूट के मदद से मिट्टी से लिया गया, सनलाइट, सन से, सन लाइट में से, और क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में पाया जाता है। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है हमारा, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा लिबरेट हो जाता है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे ये सिक्स, ये भी सिक्स, और ये हमारा सिक्स। इस प्रकार से ये हमारा फूड प्रिपेयर होता है। अब एक और चीज जाने कि भाई ठीक है, हम लोग को तो जहाँ तक पता है कि प्लांट में तो ऐसा कोई पोर्स नहीं पाया जाता, कोई छेद नहीं होता है जिससे वो ऑक्सीजन वगैरह ले ले। रूट से तो समझ में आता है कि पानी ले लेगा, लेकिन आखिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? उसके पास भी नाक होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाक नहीं होता है। नाक के बदले क्या होता है, स्टोमाटा पाया जाता है। लीफ के बॉटम पार्ट में, निचले वाले भाग में स्टोमाटा पाया जाता है। स्टोमाटा क्या होता है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, वह गैस के एक्सचेंज, मतलब गैस के आदान प्रदान में मदद करते हैं। तो स्टोमाटा की मदद से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। अब गैस लेने का भी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन आगे हम लोग देखेंगे। और रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से, मिट्टी से, और उसको लीफ तक भेजा जाता है जाइलम के मदद से। जाइलम एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो मिनरल्स और वाटर को रूट से लीफ तक ले जाने का काम करता है। एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दो पार्ट होता है, जैसे रेलवे ट्रैक में दो होते हैं, एक अप दूसरा डाउन, उसी तरह से यहाँ पे भी एक ऊपर की तरफ और दूसरा डिफरेंट पार्ट की तरफ फूड को पहुंचाने का काम करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हायर कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन कहने का मतलब गाढ़ापन, मतलब ज्यादा गाढ़ा से कम गाढ़ा की तरफ। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, अगर आप अपने घर में अगरबत्ती जलाए हो तो क्या होता है, तो अगरबत्ती का धुआं, एक कोने में अगरबत्ती जला होता है लेकिन उसका धुआं पूरे रूम में, उसका सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया किसका, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट का। अब आते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब बता दिया गया, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स ऑफ फूड। अब ये जो है डिफरेंट सोर्स से हम लोग फूड को ऑब्टेन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, और हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं इसलिए वो हेटरोट्रॉप्स होंगे, उनके पास भोजन बनाने का कोई व्यवस्था नहीं होगा। अब है कुछ प्लांट के अंदर में ही कुछ डिफरेंट होता है, मोड होता है, वो भी जान लें। जैसे प्लांट भी सारे के सारे ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें, कसकट्टा या अमरबेल या अमरलत्ता, बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े प्लांट के ऊपर जाली नुमा, पतले पतले रेशे वाले, नन ग्रीन टाइप के
हल्का येलो इस टाइप का फैला हुआ रहता है। ये यही आपका क्या होता है, अमरबेल होता है। इसका खासियत ये है कि आपका जो बड़ा सा प्लांट है उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, तो फ्लोएम में ये अपना नोड, अपना जो सकर है वो अटैच कर देता है और इससे भोजन लेता रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये ऑटोट्रॉप नहीं होगा। ऑटोट्रॉप कौन सा होगा, तो जो ग्रीन प्लांट होंगे वही होंगे, अमरबेल ऑटोट्रॉप नहीं होगा क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। यानी ये किसका एग्जांपल हो गया, हेटरोट्रॉप का एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार के कुछ और भी प्लांट हैं जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जैसे पिचर प्लांट, इसको हिंदी में पर्ण कलश कहते हैं, मतलब ये कलसे की तरह घड़े की तरह होता है और उस पे अगर कोई छोटे छोटे इंसेक्ट या छोटे बर्ड्स आकर के बैठते हैं तो उसको ढक्कन से बंद कर देता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है और उससे उसके मदद से ये क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। संडियम और ब्लैडर वार्ट, ये इसमें क्या होते हैं, रेसे की तरह निकले रहते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट आकर के इसमें फंस जाते हैं और फंस करके उसको, इसके डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, उसको डाइजेस्ट करके ये खा जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यह हेटरोट्रॉप्स हो गया। एक और हमारा एग्जांपल होगा हेटरोट्रॉप का, जो है सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट भी कहते हैं इसको, सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉप। ये जो होगा हमारा, सेप्रो का मतलब क्या होता है, रोटेन, रोटेन का मतलब सड़ने वाला, डिग्रेड होने वाला, जैसे सड़ता हुआ ब्रेड, जैसे सड़ता हुआ लकड़ी, ये सब चीज़ों में, या गोबर, इन सब चीज़ों में ये हमारा ग्रो करता है। आप जानते होंगे, इसका नाम सुने होंगे, गोबर छत्ता के नाम से जानते होंगे, गोबर छत्ता छाते के जैसा होता है और यह उग जाता है कहाँ पे, तो गोबर पे या लकड़ी पे, इन सब चीज़ों पर उगा हुआ रहता है। इसको हम लोग मशरूम भी कहते हैं, मशरूम जो खाने का भी उपयोग किया जाता है, तो खाने के उपयोग में किया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है।